कौन सतरे गंगा पाप धोई दिए जानिबा आज वीडियो रे। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आमर चैनल रे। दर्शक बंधु, हिंदू धर्म रे गंगा नदी को एक पवित्र नदी बोली मना जाए। महाभारत और पुराण रे गंगा नदी रो महत्व और पवित्रता विषय रे बहुत श्लोक लिखा जाय छि। स्कंद पुराण रे मध्य गंगार सहस्र नाम रो उल्लेख रही छि। यह मना जाए जे थरे एही पवित्र नदी रे बुड़ पकाए तार सब पाप धोई होई जाय थाए। किंतु कौन केबे आपण भाबिछंति कि एमिति काहे कि कुहा जाय, तेबे चालंतु जानिबा आज रे वीडियो रे काहे कि गंगा को पाप नासिनी बोली कुहा जाय। एहा कोन सत, गंगा नदी रे बुड़ पकेले पाप धोई होई जाय? पौराणिक कथा अनुसार थरे महादेव और माता पार्वती गंगा नदी दे भ्रमण करुथिले। सेतेबेले माता पार्वती देखिले जे हजार हजार लोक गंगा नदी रे शिवंक नाम रे बुड़ पकांती, किंतु कहारी मुहरे आत्मसंतोष देखिबा को पाऊ नाही। एहा देखि माता पार्वती आश्चर्य हेले ओ महादेव को पचारिले, हे स्वामी, गंगा कण पूर्व भली आउ पवित्र होई नाही? कारण गंगा को पाप नासिनी बोली मना जाए, किंतु मते एमानो को देखि लागुची जेपरी एमानो को एमानकर पापर मुक्ति मिली नाही, कौन गंगा ओ पूर्व भली पवित्र होई नाही? एहा सुनी भगवान शिव माता पार्वती को कहिले, गंगा तो पूर्व भले ही निर्मल और पवित्र अछि, किंतु जेऊ लोक सेठारे बुड़ पकाई बाहर को बाहर छंती, वास्तव रे सेमाने गंगा रे स्नान ही करू नाहंती। शिवंक मुहरु एमिति कथा सुनी माता पार्वती बुझी पारिले नाही ओ कहिले, एहा केमिति संभव अटे? कौन आपण देखि पारु नाहंती कि एमारे समस्त गंगा रे ही स्नान सरी बाहर को बाहर छंती ओ सेमाने वस्त्र मध्य ओदा रही छि। एहा सुनी भगवान शिव कहिले, एमाने केवल पानी रे बुड़ पकाई फेरुछंती, किंतु केही मध्य पवित्र जल रे स्नान करी नाहंती। एहार रहस्य मु तुमको आज नुहे काली कहिबे। एहा कहि भगवान शिव माता पार्वती को नै सेठारु चली गले। एहा परदिन बहुत जोरे वर्षा हैला, वर्षा कारण सबुआड़े कादू ही कादू होइगला। सेतेबेले भगवान शिव गोटे वृद्ध ब्राह्मणर बेश धारण कले ओ कादुरे गर्ती गोटे गातरे जाई पड़गले। वृद्ध बेशरे थिबा भगवान शिव गातरु बाहरिबा पई बहुत चेष्टा करुथिले ओ एहा परे पाखरे ठिया होइथिबा माता पार्वती को कहिले कि तुमे जोरे समस्तंकु कुह कि मोर वृद्ध ओ असहाय स्वामी गातरे पड़ि जाइछंती एवं केही तांकु बाहर करि तांकर प्राण रक्षा कर। महादेवों कथा शुणी माता पार्वती भी जड़े सुंदर स्त्री भेष धारण कले एवं वृद्धों पाखे आसी बसीगले और महादेवों कथा अनुसार जोरे जोरे डाकिबा को लगिले। कि समय पर गंगा नदी स्नान सर फेरुवा लोक मैंने से रास्ता दे गले। सबु लोक से स्त्री लोकर कथा तो शुणुले, किंतु स्त्रीटी को देखी से मन रे पाप आसुला, से लोक लज्जा और धर्मर भयर कहीं मध्य से स्त्री लोकर पाखक जाऊन केही केही लोक माता पार्वती रूपरे से स्त्री लोकटी को यह कहते जे ए बुढ़ाटी को मरवाक कहीं छाड़ देना। आउ कि लोक आसिले से माने साहाज्य करबा को तो चाहूले, किंतु जीवन रे पाप कर कथा शुणी रहीगले। एठी माता पार्वती कहिले, जो माने बचेवाक जीवे से माने जदि पाप करी से माने ताको छुईबा मात्रे से भस्म हो जाए। एही कथा शुणी सेमाने रहीगले ओ भाबिबाकु लागिले, आमे गंगारे स्नान करि सारिथिले मध्य आमे तो पापी ही अटु। एवं एपरि बहुत लोक आसिले एवं माता पार्वतींकर कथा शुणी चलीगले। संध्या होइगला एवं एहा देखि भगवान शिव कहिले, देखिले फ्रिए गंगारे स्नान सारि आसुदिबा केही लोक मध्य मते बंचेबाकु आसिले नाही। ठीक सेही समय रे जणे युवक हातरे जलपात्र धरि हरिहरि कहि आसुथिला। माता पार्वती तांको मध्य सही कथा कहिले ओ साहाज्य पाई कहिले एवं माता पार्वती को कथा सुनी युवकर हृदय करुणा रे भरी गला। जेमिति ही युवक जनक महादेव को बाहर करने को आग को गले, पार्वती तांको कहिले, जदि तुमे तुम जीवन रे किछि भी पाप करिना तेबे जाई कि मो स्वामी को हाथ लगाओ, नहले तुमे जलिकी भस्म होइजिबो। एहा सुनी युवक जनक पूरा आत्मविश्वास रे कहिले, हे माता, मोर निष्पाप हेबारे कौन आपणकर संदेह रहुची? आपण कौन देखि पारु नाहंती? मु एबे ही गंगारु स्नान सारी आसुची ओ गंगारे गाधेइला परे कौन किछि पाप आउ रहे कि? मु तुम पति को बाहर करि ही रहिबी। एहा कहि से वृद्ध लोकरे थिबा भगवान शिवंकु बाहर करिदिले। युवकटीर एही कामरे खुशी होई भगवान शिव और माता पार्वती युवक
ତାଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ କି ପ୍ରିୟେ, ଏତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ହିଁ ସେ ଯୁବକ ହିଁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିଛି। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଏମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେହ ହିଁ ଧୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ କେବଳ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନରେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଫଳ ମିଳେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇଲେ ତାଙ୍କ ପାପ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ବା ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାରେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତ ପଥର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାପ ତ କମ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିଲେ, ଯାହାକି ସତରେ କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ପାପ ଧୋଇଦିଏ ଜାଣିଲେ ଏ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ, ଆକୁ କାମରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପ୍ରତି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।